स्वागत है आपका निवेश में जयेश के साथ। आज हम वापस क्रिप्टो पे बात करेंगे आज, और उस पर भी मोस्टली पाई कॉइन के अपडेट के बारे में, जो केवाईसी की अनाउंसमेंट आई है। सिर्फ केवाईसी की अनाउंसमेंट ही नहीं, बहुत कुछ और लिख के आया है उसके रीड सेक्शन में। अगर आपने रीड किया हो तो आपको समझेगा, या नहीं तो मैं आपको आसान भाषा में बता दूंगा कि आखिर जो पाई का जो नया अपडेट आया है उसमें उन्होंने क्या कहा है। तो देखिए, सबसे पहले बात तो पाई ने अभी जो केवाईसी है वो अनाउंसमेंट में कहा है कि 2023 में वो सबके लिए खुली कर देंगे, जिनको केवाईसी के लिए प्रॉब्लम हो रही थी, जो भी लोग थे कि जिनकी केवाईसी हो ही नहीं पा रही थी, या फिर उनको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था, किसी को नोटिफिकेशन आ रहा था पर अप्रूव नहीं हो रही थी केवाईसी, तो ये सब प्रॉब्लम अब वो 2023 के स्टार्टिंग में वो ख़त्म करने वाले। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि 3 साल हो गए भाई, तो लिस्ट कब करा रहा है पाई, मतलब लोग परेशान हो गए सोच सोच के। अब तो कुछ कुछ लोगों को ये लगने लगा है कि ये टाइम वेस्ट है, ये स्कैम है, ये ऐसा है वैसा है। पर देखिए दोस्तों, अभी अगर हमने उनकी केवाईसी अनाउंसमेंट के नीचे अगर जो रीड ऑप्शन है वहाँ पे खोल के हमने देखा, तो ये प्रॉब्लम इसीलिए आ रही है क्योंकि हमारी कंट्री का तो कोई इशू नहीं केवाईसी का मोस्टली, पर जो बाहर की कंट्रीज है वहाँ पे रिटर्न हैंड रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है कुछ कुछ कंट्री में, तो वहाँ के लिए वो इशू आ रहा है। और पाई की जो केवाईसी, आपको जो पता ही है कि ये जो पाई माइनर है वर्ल्ड वाइड है, और वो पाई नहीं चाहता कि कोई भी उनमें से छूटे, इसलिए ये जो ये प्रॉब्लम आ रही है। और फिर आप कह रहे होगे कि पाई तो अपने बोलने के हिसाब से करता ही नहीं, हर बार लेट होते रहता है। अभी उसने कहा था कि भाई मार्च में, फिर जुलाई में मेनलेट आ जाएगा, ऐसा वैसा। तो देखिए, पाई ने यही कहा है कि उसका एनक्लोज जो मेननेट का जो भी पीरियड चालू, इसके दो चीज़ें मेन है फोकस के लिए। सबसे पहला जो है मेन चीज़ वो है कि मास लेवल पे केवाईसी होनी चाहिए, यानी कि सबकी केवाईसी होनी चाहिए, तभी वो आगे का पीरियड के लिए सोचेगी। और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि यूटिलिटी बिल्डअप उसका तो चलो खैर कोई नहीं, वो अपनी सुधारना कर ही रहे, पर जो केवाईसी रिगार्डेड प्रॉब्लम्स थी, तो केवाईसी रिगार्डेड प्रॉब्लम्स ही अभी वो सॉल्व करने में लगे हुए। तो आप लोग बोलेंगे कि भैया लिस्ट कब होगा आखिरकार, तो मुझे पर्सनली लगता है कि 2023 के दिसंबर के एंड से पहले ज़रूर लिस्ट करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ अच्छी चीज़ों के लिए वक्त लगता है। इसीलिए आप अपना काम कीजिए, उसे माइंड कीजिए, क्योंकि आपको देना ही क्या है, कुछ सेकंड देने चंद अपने 24 घंटों में से। और ऐसे ही नए नए अपडेट के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।